अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं नईम वाला आपके सामने हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ओप्पो के आउटलेट पे आया हुआ हूँ और ये एक बेहतरीन दुकान है मार्केट की। इसके अंदर हम बात करेंगे अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त से। इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, आप पहले मेरी वीडियो का लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के बारे में बताइएगा कैसी रही वीडियो। तो हम आते हैं वीडियो की तरफ। मैं अपने भाई को दावत देता हूँ। वेलकम उज़ैर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं नईम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। सर जी, मैं आपके पास आया हूँ ये पूछने के लिए, आजकल जो महंगाई आई हुई है उसके अंदर क्या नाम है, ज़्यादातर लोगों की रेंज से मोबाइल आउट हो गए हैं, तो अपने पास मिडिल रेंज में कौन से मोबाइल अवेलेबल हैं जो मार्केट में ज़्यादा चल रहे हैं और क्या फीडबैक है उनका? नईम भाई, अभी मार्केट की सिचुएशन तो डॉलर की वजह से आपके सामने है, लेकिन अभी मिड रेंज के अंदर दो तीन फ़ोन हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है पॉप 5 LTE जो 20,000 रुपये की कंपनी प्राइस है, लेकिन आपके रेफरेंस से लोग आएंगे तो ये मैं फाइनल 18,500 रुपये में दे दूंगा। नईम भाई, यह है पॉप 5 LTE 2GB रैम 32GB मेमोरी। फिर उसके बाद आप अलग ब्रांड में आ जाते हैं तो फिर आपको एक बहुत प्यारी डिवाइस मिलती है 4GB रैम में A16 ही। यह ओप्पो का मोबाइल है, आपको पता है ओप्पो बहुत अच्छा चल रहा है। ये 4GB रैम है, 64GB मेमोरी है। इसकी कंपनी प्राइस जो इस टाइम चल रही है वो है 31,000, लेकिन नईम भाई के रेफरेंस से अगर कोई आता है तो नईम भाई ये मैं बिल्कुल फ़ाइनल आपको दे दूँगा 28,000 रुपये में। ये प्राइस आपको पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे, ये आप नईम भाई के साथ आए हैं, शॉप पे खड़े हैं, देख सकते हैं एक होल सेल की शॉप है। लेकिन नईम भाई, आपको पता है मिड रेंज के अंदर बड़ा मसला चल रहा है, टेक्नो, इन्फिनिक्स, वीवो, इन सब से मेरी यही दरख्वास्त है कि मिड रेंज वाले फ़ोन दें ताकि हमारी सेलें भी ज़्यादा हों। और अच्छा, अभी जो मार्केट में सबसे बड़ा इशू चल रहा है कि 10 से 15,000 की रेंज में या 15 से 20,000 की रेंज में कोई बेहतरीन मोबाइल मार्केट में आ नहीं रहा है। ये ओप्पो का मिड रेंज का सबसे, ये ओप्पो का जो मोबाइल है ये सबसे मिड रेंज का मोबाइल है। ये स्टार्टिंग है तकरीबन इसके 30,000 रुपये के रेट है। हम अल्हम्दुलिल्लाह आउटलेट पे खड़े हुए हैं ओप्पो के, आप देख सकते हैं। ये होल सेल रेट में आपको 28,000 के दे देंगे, मार्केट में ये रेट आपको नहीं मिलेंगे। अब इससे अंदाज़ा लगा लें आप कितनी महंगाई हो गई है, डॉलर इतना ऊपर चढ़ गया तो मार्केट के अंदर मिड रेंज वाले मोबाइल नहीं आ रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारी दुकान पर आएंगे तो आपको जो फेवर होगी रेटों के अंदर वो हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आप 4GB में 64GB में ओप्पो में जाना चाहेंगे तो फिर आपको A16 मिलेगा। जो A16 है वो तकरीबन इस वक्त चला गया है 38,000 रुपये कंपनी में, लेकिन नईम भाई की जानने वाला कोई आएगा तो उसको हम 34,000 रुपये में वो दे सकते हैं। इसके बाद आप आ जाएँ ये C25S है, ये रियलमी का C25S है जो आज से 4 महीने पहले 26,000 रुपये का बिकता था, आज इसकी जो प्राइस है रियलमी C25S है, 4GB रैम आप देख सकते हैं, 64GB मेमोरी। नईम भाई ये इस वक्त मार्केट में चल रहा है 30 से 32,000 रुपये का, लेकिन आपके रेफरेंस से कोई आएगा तो ये 28,000 रुपये में दे दूंगा मैं। उसके बाद आप आ जाओ 8C में, टेक्नो का 8C है, ये भी तकरीबन नईम भाई 4GB में भी आता है, 3GB में भी आता है, ये भी हम मुनासिब रेट पे दे देंगे। बाकी ओप्पो का आपको कोई भी फ़ोन चाहिए हो आप नईम भाई किसी को भी भेज दें, होल सेल रेट से आपको ऐसे दूंगा कि मार्केट रेट में आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। अच्छा देखिए, माशाल्लाह से ये हमारा आउटलेट है और मार्केट के अंदर हर तरह का दुकानदार होता है, लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात ये कि ओप्पो के आउटलेट पे आप खड़े हैं, आपको जो भी ओप्पो का मोबाइल चाहिए आपको इस मार्केट रेट से अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इस वीडियो का लिंक देंगे तो ये आपको होल सेल रेट में मोबाइल दे देंगे, जो कि किसी मार्केट की दुकान पर कोई होल सेल नहीं करता। जो भी आपको चाहिए होगा ओप्पो का मोबाइल होल सेल रेट पर देंगे। और नईम भाई उसके बाद आप आ जाएं 4GB की, 128GB की, अगर आप रैम और रोम की बात करते हैं तो फिर उसके बाद आपको ओप्पो के अंदर ये A54 नज़र आता है। अच्छा, ओप्पो के अंदर ख़ासियत ये है कि कंपनी आपको इसके अंदर बहुत अच्छी वारंटी देती है, 1 साल की मोबाइल की वारंटी है, 6 महीने एसेसरीज़ की बैटरी की वारंटी है, 7 दिन में नईम भाई कोई भी मोबाइल में मसला आएगा दूसरा डब्बा पैक गारंटीड है, और लाइफ टाइम सॉफ्टवेयर की वारंटी है। इसमें आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने, कहीं जाना नहीं है, वहीं आए मैं आपको क्लेम करवा के दूँगा। अच्छा देखिए, एक तो मार्केट की वारंटी के हवाले से लोगों को परेशानी होती है कि हम मोबाइल तो लेते हैं लेकिन वारंटी क्लेम का इशू आता है, तो अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर स्टोर से लेंगे तो ये खुदा ना खादा का कोई मोबाइल में इशू आता है तो 7 दिन में हम आपको वारंटी रिप्लेस करके देंगे। इसके अलावा सॉफ्टवेयर की लाइफ टाइम वारंटी है, हार्डवेयर की 1 साल की वारंटी है। अच्छा एक बात बताएं उज़ैर भाई, आजकल जो चल रहा है एक्टिव और नॉन एक्टिव का चक्कर, उसके बारे में थोड़ा गाइडलाइन देंगे, कस्टमर को ये परेशानी हो रही है कि हम जहाँ पे जाते हैं ज़्यादातर माल एक्टिव मिल रहा होता है और नॉन एक्टिव का समझ में नहीं आता, इसके बारे में बताइए। नईम भाई ये बात बिल्कुल सही है, एक्टिव और नॉन एक्टिव का बिल्कुल चक्कर है। देखें, ये होता है कंपनी की एक्स्ट्रा पॉलिसीज़ पे,
कंपनी को आपको पता है उनको ज़्यादा सेलें चाहिए, वो ज़्यादा सेल्स के चक्कर में रिवॉर्ड वगैरह देती हैं। अब हमारे यहाँ क्या होता है, दुकानदार जो होते हैं मोबाइल जो रखा हुआ होता है वो एक्टिवेट करते हैं, उसको फिर पैक कर देते हैं एक तरह से, तो वो खुल के दोबारा पैक हो रहा है ना। एक्टिवेट जो फ़ोन होगा उसके आपको मार्केट प्राइस कम मिलेंगे, उसके डब्बे से आपको पैकिंग में फ़र्क नज़र आ जाएगा। अभी आप ये देखें, ये आपको पैकिंग में फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ये पूरा कंपनी पैक है, नॉन एक्टिवेट है। और इसका दूसरा बड़ा आसान तरीका है, नहीं भाई आपको, आप तो वैसे यहाँ खड़े हैं, सिस्टम के अंदर एक कंपनी का सिस्टम होता है जिसके अंदर डेट वगैरह सब लिखी हुई आ रही होती है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, वरना www.oppo.com में आके इसकी वारंटी चेक कर सकते हैं। वारंटी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्टिव माल मार्केट में बहुत पड़ा हुआ है, कंपनी सेल्स की वजह से रिवॉर्ड देती है, इसके से लोगों को एक्टिव करना पड़ता है। अच्छा, अभी ये मसला चल रहा है कि मार्केट के अंदर सेल का गिराव जाहिर सी वजह नीचे आ गया है, तो ज़्यादातर दुकानदारों ने माल एक्टिव करके रखा हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ओप्पो का आउटलेट है, आप यहाँ पर आएंगे तो आपको हर चीज़ नॉन एक्टिव मिलेगी, और अगर आपको रेटों की भी गारंटी मिल जाएगी, रेट में कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। और ओप्पो के ऑफिशियल आउटलेट से लेने का ये फ़ायदा होगा कि आपको जो एक्टिवेट माल होते हैं उसकी वारंटी निकल गई होती है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन स्टॉक होता है, और क्या नाम है, इसके अंदर जो है ना आपको कोई दो नंबरी नहीं होगी। अच्छा, अब एक बात बताइए उदयर भाई, अब जो मोबाइल आ रहे हैं, नए मोबाइल आ रहे हैं, अभी अपकमिंग मॉडल कौन सा है ओप्पो का, जो लेटेस्ट मॉडल आने वाला है? अभी अपकमिंग मॉडल जो है नईम भाई, आपने देखा होगा F21 Pro 4G। अब F21 Pro 4G के लुक में हमारा अभी नया मॉडल आ रहा है A77, जो A76 के बाद का मॉडल है। उसके बाद 4GB 64GB में अभी आपने देखा होगा A16 464 कंपनी ने बंद कर दिया, अब इसके बदले A17 आ रहा है, जो वो भी F21 Pro वाले कलर में और F21 Pro 4G वाले लुक में। ये दो मॉडल अभी हमारे इंशाल्लाह इस मंथ में A17 आएगा और नेक्स्ट मंथ में A77 आ जाएगा इंशाल्लाह। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका उदयर भाई, वीडियो अगर हमारी आपको पसंद आए तो लाइक करेगा। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो भी मोबाइल जो भी कस्टमर पहले आएगा हमने उनके लिए गिफ्ट रखा है, जो भी वीडियो देखता है हमारी उसको लाइक करता है, मोबाइल ख़रीदने के लिए आता है, तो हम उसको ये एक चीज़ गिफ्ट देंगे, ये ubaid.com पे आपको गिफ्ट मिलेगी, जो पहला कस्टमर हमारे पास मोबाइल ख़रीदने के लिए आएगा हम उसको ये अपने पास से गिफ्ट करेंगे। इसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 5000 रुपये, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और जो भी बात होगी जो कि कन्वर्सेशन होगी मोबाइलों के हवाले से आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।